के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों में आपस में गोलियां चल गई। स्टूडेंट्स में आपस में किसी बात पर कहासुनी हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष स्टूडेंट्स पर फायरिंग करके फरार हो गया। वहीं पीड़ित पक्ष की सूचना पर मौके पर मेडिकल थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से छात्रों को हिरासत में लिया है और थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। ये घटना शुक्रवार दोपहर बाद की है, जब विश्वविद्यालय में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि मेरठ कॉलेज के छात्र किसी काम से विश्वविद्यालय पहुंचे थे। CCSU और मेरठ कॉलेज के छात्रों के बीच विवाद हुआ और फायरिंग की गई है। गनीमत रही कि किसी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई है, गोली नहीं लग सकी, वरना किसी स्टूडेंट की जान भी जा सकती थी। लेकिन बार बार CCSU में इस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं। थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज दोपहर छात्रों के दो गुटों के बीच में मारपीट, कहासुनी, वाद विवाद हो गया था। इसमें एक छात्र के द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचे और मौके से ही 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जागृति विहार निवासी शेखर चौधरी, जो CCSU का स्टूडेंट है, उसके मेरठ कॉलेज के छात्रों से किसी बात पर विवाद हुआ। मेरठ कॉलेज के छात्रों ने उसके साथ मारपीट कर दी और इसी बात पर फायरिंग हो गई। शेखर ने मेडिकल थाने में तहरीर भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। SPCT पीयूष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आज दोपहर छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट, कहासुनी और विवाद हो गया था। इसमें एक छात्र द्वारा फायरिंग भी की गई थी, सूचना मिली थी। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में मौके से ही 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना मेडिकल पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।